थाना सदरपुर ग्राम गोड़ेचा चौराहे पर आज मौजूद हूँ, जहाँ पर एक चोरों ने वारदात की है प्रधान जी के घर में। और गोड़ेचा गांव में महज चौकी से 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी पे प्रधान जी के वहाँ चोरी हुई है। आज अगर जनप्रतिनिधित्व ही नहीं जो है सुरक्षित है इस गवर्नमेंट में, तो कैसे जो है आगे सरकार अपनी जो है कह सकती है कि हमारी जनता सुकून में है। चोरियों का चोरियों सिलसिला काफ़ी चलता रहा है इस क्षेत्र में, रामपुर क्षेत्र में। और आइए दिखाते हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए मेरी तरफ और रुख करते हैं घर की तरफ और प्रधान जी से बात करते हैं कि कल क्या वारदात हुई है। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता, प्रधान परिवार के लोग काफी जो है घर पे उपस्थित थे। फिर हम 11 बजे वहाँ से रिटर्न आ गए हैं, तो करीब एक घंटे हमने जागा है। जी जी। फिर 12 से 2 के बीच में चोरी हुई है हमारे यहाँ। जी जी। तो दरअसल जो 2:20 पे हमारे पूरी फैमिली वापस आ गई थी। जब वापसी आई है तो हमने देखा कि अंदर से पल्ले सब बंद थे, पीछे वाले दरवाजे से जो है उन्होंने घुसकर चोरी की। अच्छा। रात में हमने 112 नंबर डायल किया और पुलिस चौकी पे हमने फ़ोन किया, एसआई का फ़ोन किया, इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन लगाया और सीओ साहब का फ़ोन किया, कप्तान साहब को फ़ोन किया। वो अपने सुबह से अपना प्रकरण जारी किए हुए दिखाए भी आए थे। अच्छा। और इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, इंस्पेक्टर साहब भी अपने प्रकरण में लगे हुए हैं। जी जी। और अज्ञात में मुकदमा उन्होंने दर्ज कर लिया है। अच्छा। आगे का प्रकरण जो है जारी है। जारी। मैं तो सरकार से ही गुजारिश है कि जिसने एक क्राइम किया हुआ है, उसको सख्त उसे सजा दी जाए। जी जी। ताकि और जो है क्षेत्रों में जो है वो चोरी का अंजाम ना दे सके, और कोई क्षेत्रों में अंजाम ना दे सके। और उस दिन कल, हाँ, कल के पीरियड में 3 चोरियां हुई जी, हमारे वहाँ हुई है, बगल में हमारे हेलेपारा हुई है। अच्छा। सरैया में हुई है। हाँ। इनका क्राइम बढ़ता जा बढ़ता रहा है जा 3 रहा। दिन पहले हमारे जो है धमौड़ा में हमारे जो है तिवारी जी थे, बहुत सम्मानित व्यक्ति। अच्छा। उनके वहाँ बहुत लंबी चोरी हुई है। जी जी जी। 20 से 25 लाख की उनके वहाँ भी चोरी हुई है। आप देख सकते हैं कि कैसे चोरियों पे अंजाम चोर देते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इसका क्या कहेंगे यूपी गवर्नमेंट को और केंद्र गवर्नमेंट को, कि क्या कहेंगे कि जब प्रधान ही नहीं सुरक्षित है तो इसको क्या कहेंगे आप। और महज चिंता तो इस बात की है कि चौकी के महज प्रधान जी का घर 100 मीटर पे बताया जा रहा है, और चौकी के होते हुए ये कैसे चोरी हो सकती है, किस तरह की चोरों की ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे चोरी इतनी भयानक होती है और कानून इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता। यहाँ की पुलिस, सदरपुर की पुलिस किस हिसाब से, किस लेवल से सिस्टम अपना सेट किए हुए है, किस तरीके से क्या कर रही है कि चोर अपनी चोरी को अंजाम दे जाते हैं और फिर वही 4 दिन के बाद वारदात पे वारदात आ जाती है कि कोई पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसा क्यों है? आखिर गवर्नमेंट से मैं जानना चाहता हूँ, अपने सरकार से मैं जानना चाहता हूँ। प्रधान जी, जरा जहाँ पे ताला टूटे हैं, जहाँ पे जो कुछ है, आप दिखाने का कष्ट करेंगे हमको? जी, हम बिल्कुल दिखाएंगे। और जो है करीब जो है हमारा 5 से 6 लाख रुपए नकदी रखा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे सिस्टर का सामान, हमारे मम्मी का सामान, हमारे मैडम का सामान, हमारे मामी का सामान, जितनी ज्वेलरी रखी थी उसे में कैश और ज्वेलरी रखी हुई थी। आइए आपको हम दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। देखिए घर के दरवाजे कैसे तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से, किस हिसाब से यही चोरों का निकास का रास्ता है। इसी जगह से चोरों ने रास्ते को अंजाम दिया है। और कैमरामैन से कहेंगे कि वो जरा फोकस करें, जैसे चोरों ने यहाँ पे अंजाम दिया है, कैसे ताला को तोड़ा है, कैसे, किस प्रकार से, क्या उन्होंने क्या अपनाया है हथियार, इसको कैसे तोड़ा है। तो ये इस सरकार में कैसी, ये जो है कैसी चीजों का कैसा देखभाल है कि चोर अपनी चोरी को अंदाज में चोरी करते जा रहे हैं और थाना सदरपुर की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, इसका क्या मतलब है? प्रधान जी, कहां से सामान गायब हुआ है? टारगेट हमारे इस कमरे का बनाया गया है, पूरे जानकारी के साथ वो लगे हुए। हाँ, जी 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 जी, हमारा ताला तोड़ा गया है। अच्छा।
बताइए सिक्योरिटी के लिए प्रधान जी ने क्या क्या चीजें बना रखी हैं और क्या क्या चीजें लगा रखी हैं। कैमरा मैन से कहेंगे कि दिखाने का फोकस करें कि ऐसे कैसे तालों को चोर अंजाम दे जाते हैं और बेचारे कितनी मेहनत से पैसा कितना क्या कैसे होता है सब सब सारी चीजों को जो है चोरों ने पानी फेर चोरों को पानी फेर देना है। तो इससे क्या कहेंगे कि सरकार में कैसे जनता सुरक्षित हो, कैसे क्या चीजें सुरक्षित है। सदरपुर की थाना सदरपुर की पुलिस जो है इन चीजों का प्रकरण बहुत तेजी से नहीं कर रही है, उसका मुहैया कुछ जो है और चीजों का है, वो घटना को एक भी अंजाम नहीं दे रही है। कैमरामैन से कहेंगे कि बाहर आए, एक मिनट यहाँ पर जी। अच्छा यहाँ देखिए कि अलमारी कैसे तोड़ी गई है, किस हिसाब से कैश और नगद और जेवर, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ अलमारी भी है, सब कुछ है, पूरा सेफ तरीके से है। अब इंसान किस अलमारी के ताले में रखे जो उसका सामान सेफ रहेगा। इधर फोकस करेंगे जहाँ से पैसा गया है। प्रधान जी कितना पेमेंट आपका जो है लगभग गया है। कैमरामैन से इधर कहेंगे, फोकस करें प्रधान की तरफ। जी भैया जी, हमारा 5-6 लाख रुपए नगद रखा हुआ था, हमारा दुकान का पैसा रखा हुआ था। जी जी, दुकान हमारी फल फ्रूट की है, थोक व्यापार है। अच्छा अच्छा। और होलसेल है। हाँ। और फुटकर भी बिकता है, उसका जो है 3-4 दिन का पैसा रखा हुआ था, हमारा ज्वेलरी जो है इसी में रखा हुआ था। जी जी जी। पूरा इस तरीके से चोरों ने साथ से अपना हथियार चलाया है, देखिए किस तरीके से ताले लगे हुए हैं। जी जी, सब लगे हुए हैं, इनका क्राइम बढ़ता जा रहा है। जी जी, तो सरकार से ही गुजारिश है कि इनको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि और अंजाम ना दे पाए और जो है घरों को ये टारगेट ना बना पाए। अच्छा, ये थाना यशो साहब से क्या बात हुई आपकी? थाना यशो साहब से हमारी बात हुई रात में। जी, सुबह अपने वो फोर्स लेके आए, अपना सब देखे वाले हैं और अपने दरोगा को लगा के अपने सब मुहैया कराए हैं, जो है मुकदमा लिखवाए हैं। जी जी, हमारे सीओ साहब भी आए थे और कुछ अधिकारी के जो अपना बुलाना था वो भी बुलाए हैं, उनका प्रकरण चल रहा है, लग के देखना है कि आखिर कौन सा आदमी बड़ा इतना बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी है, तीन तीन चोरियां कर रहा है, इतना क्राइम कर रहा है, और सब एक से एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है सब लोकेशन के हिसाब से। बिल्कुल, उसका हमारा सरकार से गुजारिश है कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल।